तो जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वीडियो में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव के जो पहले वाले मैनेजर विवेक सिंह थे, उनकी फिर से टीम में वापसी हो गई है। इसका पूरा सबूत है मेरे पास, बिना सबूत का मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ, जो कि सबूत मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा वीडियो है, पूरा देख के जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है चैनल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि बहुत दिनों से मेरे भाइयों का एक सवाल आता था कि क्या विवेक सिंह फिर से टीम में आएंगे, या विवेक सिंह कब खेसारी भैया से मिलेंगे, या विवेक सिंह अब कभी भी खेसारी लाल यादव के साथ नहीं दिखेंगे। जो मेरे भाई लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि विवेक सिंह अभी हाल फिलहाल में खेसारी भैया से मिलने गए थे और खेसारी भैया से मिले भी और बहुत ही अच्छी बातचीत भी हुआ। और यहां तक कि आप लोगों को बता दें कि खेसारी भैया के साथ में विवेक भैया ने रील भी बनाया। विश्वास नहीं है, चलिए आप लोगों को सबूत दिखाता हूं। यहां पर देखिए सबूत। ये तो यही दिन देखने के लिए कितना खेसारी भैया के फैंस इंतजार कर रहे थे कि काश विवेक भैया का फिर से एंट्री हो जाता टीम में। तो लग रहा है कि अब मामला कुछ बहुत ही अच्छा हो गया है मेरे भाई, क्योंकि ग्लोबल से भी मामला अच्छा हो गया है। अभी खेसारी भैया की जिंदगी में जो भी गिला शिकवा था वो सब दूर हो रहा है और खुशी वापस आ रहा है। तो यहां पर विवेक भैया भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि विवेक भैया भी खेसारी लाल यादव से मिल चुके हैं, जो कि सबूत में आप लोगों को पूरा दिखा दिया। बंटी यादव जी के पर जाकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अभी के लिए बस यही था खास जानकारी, सोचा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलूं। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। विवेक सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विवेक सिंह को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।